है गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैंने बनाया है यहाँ पर फ्लैक्सी डोसा और ये कैसे बनाते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी इन माय वीडियो सो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड इट्स एब्सोल्युटली डिलिशियस एज वेल एज़ हेल्दी वेरी इजी टू मेक एंड इट इज़ आल्सो समथिंग दैट यू किड्स आ गोन एन्जॉय सो आई एम गोन शो यू एवरी इन दिस वीडियो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड यहाँ पे मैंने थ्री फोर्थ कप्स सीड्स लिए हैं तो ये मैंने कास्ट आयन मेरा पैन है कास्ट आयन पैन तो इसी में मैं सभी चीज़ें गर्म करती हूँ रोस्ट करती हूँ इवन ग्राउन दट एवरी तो उसी पैन में मैं Uh, ये जो फ्लैक्सीज है ये रोस्ट कर रही हूँ आई एम गोन मेक अन अदर वीडियो ऑन माई कास्ट आई एन कलेक्शन सो इफ इट ऑल यू लाइक इट दैन प्लीज़ गो हैड एंड कॉमेंट ऑन इट एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो इफ पीपल आर रिक्वेस्टिंग सो ये अच्छे से इसमें रोस्ट हो जाता है एंड सिंस इट्स कास्ट आई एंड दैट्स वाई यू कैन सी लाइक एवरीथिंग द प्रोसेस ऑफ कुकिंग इज़ मच फास्ट सो यू नीड टू बी वेरी क्विक वाइल यू और डूइंग दिस तो आपको स्मेल से ही पता चलेगा कि फ्लैक् सीड्स रोस्ट हो रहे हैं और कुछ देर के बाद ना फ्लैक् सीड्स ऐसे स्प्लिट होने लगेंगे और बाहर आ आ जाएंगे से थोड़ा बाहर आ जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये फ्लैक् सीड्स अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं और आप इसे निकालने के बाद एक एक आध फ्लैक्सीड आप चबा के भी देखना ये अच्छे क्रंची होने चाहिए वही इम्पॉर्टेंट है आपकी चटनी के लिए तो ये अच्छे से मैं रोस्ट कर रही हूँ आप इसे एक ही जगह पे बैठने मत देना कीप ऑन मूविंग इट तो इसके कारण क्या होता है कि सारे जो सीड्स हैं ना वो अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे बस एक ही साइड से नहीं लेकिन सारे ऑल ओवर सारे साइड से भी रोस्ट हो जाएंगे तो अभी ये सीड्स अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं तो मैं इसे निकाल लूँगी अपने एक वेसल में और मेक श्योर दैट यू टेक दिस काइंड ऑफ अ वेसल मतलब एक प्लेट में ही निकालना क्योंकि फिर आपको इसे ठंडा भी करना है तो प्लेट में ही अच्छे से आसानी से जल्दी तरी जल्दी से ठंडा हो जाएंगे अगर आप इसे कोई छोटे बाउल में आप कलेक्ट करोगे तो फ्लैक्सीर एक के ऊपर एक बैठ कर वो अच्छे से ठंडा भी नहीं होगा और मे बी इट माइट ऑल्सो गेट लिटल बिट मॉइस्ट तो आप इसे स्प्रेड कर देना अच्छे से दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट इम्पॉर्टेंट और सारे के सारे फ्लैक्सीड्स मैंने ये प्लेट में निकाले हैं और मैं ये प्लेट अभी आई एम गोइंग टू कीप इट असाइड फोर सो दैट ऑल द फ्लैक्सीड्स गेट कूल्ड प्रॉपरली सो फ्लैक्सीड की अच्छी खुशबू भी आ रही है धीमी सी तो अभी मैं ले रही हूँ एक गार्लिक ये पूरा एक गार्लिक मैंने इसमें यूज़ किया है ये बिग क्लो वाला गार्लिक है इसे मैंने पील ऑफ किया है तो ये क्योंकि ये बिग क्लो वाला गार्लिक है तो मुझे इसे कट करना पड़ रहा है अगर आप छोटे वो जो आ, आ, मतलब छोटे वाले देसी टाइप के गार्लिक यूज़ करें तो आपको शायद इसे कट नहीं करना पड़े लेकिन ये क्योंकि बहुत बड़ा है तो मैं जब फ्राई करूँगी तो वो कच्चा रह जाएगा इसीलिए मैं इसे कट कर रही हूँ ये मैंने लिया है ग्राउंडनट ऑयल आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो इसमें मतलब आपको जो टेस्ट जच रही हो वो वाला और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कड़ी पत्ता दैट इस वो भी लिया है सो so, यहाँ पे मैं ऑयल ले रही हूँ और उसमें सबसे पहले मैं कड़ी पत्ता फ्राई करूँगी क्योंकि ये मैंने धो लिया था तो इट्स लाइक लिटिल बिट वेट सो आई वॉन्टेड टू गेट फ्राइड प्रॉपरली तो मैंने वो सबसे पहले फ्राई किया है इसमें और मैं तब तक फ्राई कर रही हूँ जब तक ये जो पानी है ना इसमें से पूरा का पूरा निकल ना जाए तो जब आपको जो साउंड होती है वो पूरी चली जाएगी तो आपको पता चलेगा कि ये पानी पूरा निकल चुका है इस टाइम पे मैं गार्लिक ऐड कर रही हूँ और गार्लिक को अच्छे से रोस्ट कर रही हूँ आप इस गार्लिक को ना अच्छे से रोस्ट करना इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और थोड़ा सा मैं यहाँ पे सॉल्ट एज पर द टेस्ट ऐड करी बहुत ज़्यादा सॉल्ट मत ऐड करना पहले इसमें क्योंकि क्या होता है ना फिर आपको कोई अंदाज़ा नहीं रहता कि आपका कितना प्रोपोर्शन है और आप बहुत सारा ऐड कर लेते हो एंड देन एवरीथिंग गेट्स गेट्स पॉइल और मैं थोड़ी सी ही यहाँ पर रेड चिली एड करी ये कश्मीरी चिली जैसी है तो ये मैंने ऑनलाइन कोई देसी इसमें ली थी और फिर मैं वापस दोबारा से सीड इसमें रोस्ट थोड़ा सा कर रही हूँ और बस ये हो गया अब मैं सब कुछ इस प्लेट में निकालूंगी और ऐसे ठंडा करने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर के लिए तो प्लेट में बहुत ही अच्छी तरीके से जल्दी से ठंडा हो जाता है क्योंकि आप अच्छे से स्प्रेड कर सकते हो ये फ्लैक्सी जो होती है वो बहुत ऐसे चिपक के बैठ जाती है पैन पे और ये सारी बहुत छोटी छोटी होती है तो इसे निकालना थोड़ा सा टीडियस होगा बट तो, नेवर द माइंड आपको थोड़ा ही लेना है और थोड़ा सा ही करना है तो उसके बाद अब मैं यहाँ पे इनालसा का हैंड ब्लेंडर ले रही हूँ इसमें ये एफिशिएंट चॉपर वाला अटैचमेंट है मेक uh, श्योर sure कि वो पूरी तरीके से ड्राई हो uh, तो ड्राई होने के लिए मैं इसे अच्छे से पोच रही हूँ ब्लेड्स भी मैं पोच रही हूँ uh, ड्राई होने के लिए और अब मैं इसमें ऐड करूँगी अपना फ्लैक्सीड जो भी मैंने रखा था ठंडा होने के लिए वो सब मैं इसमें ऐड कर दूँगी और फिर मैं इसमें चॉप करूँगी uh, वैसे तो आप मिक्सर जार में भी कर सकते हो इट इज़ लाइक क्वाइट गुड पर ये काफ़ी मुझे हैंडी लगा इसलिए मैं इसमें ट्राई कर रही हूँ इस बार मिक्सी में भी ये बहुत अच्छा होगा ऐसे नहीं कि आपको हैंड ब्लेंडर से ही करना है तो uh, मैं ये क्योंकि मैंने ये रिसेंटली लिया है तो आई रियली वट टू टेस्ट एंड ट्राई ऑल द थिंग्स ऑन दिस तो अभी ये जो है एल मिनिमम और मैक्सिमम जो बताता है तो इसमें मैं ज़्यादा मतलब मैक्सिमम रख के इसे घुमा रही हूँ ये जो ऊपर वाला पॉइंट होता है ना वो धीरे से घुमाने के लिए और नीचे वाला आ, हाई स्पीड से तो अभी हाई स्पीड्स में मैं घुमा रही हूँ तो सारे जो फ्लैक्सीज हैं ना वो अच्छे से चॉप हो रहे हैं इसमें और मिक्सी में भी ये बहुत अच्छा है इसका पेस्ट बन के आएगा लेकिन इसमें आपको वो पेस्ट वाला इफ़ेक्ट नहीं होगा ये ऐसे ना सब कट होके छोटे छोटे कट क्रंचेस जैसे हो जाएंगे तो मुझे वैसे वाला ट्राई करना था आ, इस बार इसीलिए मैंने आ, ये हैंड ब्लेंडर यूज़ किया है मिक्सी में आपको थोड़ा ज़्यादा पेस्ट जैसे ही मिलेगा तो ये मेरा बन चुका है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी तो अभी मैं uh, ये डोसा पैन जो है मेरा उसको सीजनिंग कर रही हूँ और डोसा पैन अच्छे से गर्म होने के लिए वेट कर रही हूँ डोसा पैन जैसे ही अच्छे से गर्म होता है मैं uh, ये डोसा बैटर मेरे पास हमेशा रहता है गाइस आई मीन चेन्नई सो दिस इज़ इनएविटेबल इफ़ यू आर इन चेन्नई

मैं इसे टर्न कर रही हूँ और फिर आ, इस जो सेकेंड साइड है उस पर अच्छे से उसे रोस्ट होने दे रही हूँ तो आप देख सकते हो अच्छे से ये जी ये जो पैन है ये भी कास्ट आयरन पैन है और इसलिए कुकिंग इज़ वेरी फास्ट है इन कास्ट कास्ट आयरन दैट इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट इट तो अब मैं इस पर स्प्रेड करूंगी मेरी फ्लैक्स सीड की चटनी जो है तो आप देख सकते हैं इट्स नॉट अ वेरी इन अ पेस्ट काइंड ऑफ फॉर्म इट्स लाइक दो स्मॉल क्रंची यू नो दे हैव गॉट चॉप्ड एवरीथिंग इज़ गॉट चॉप्ड बेसिकली इट्स नॉट लाइक अ पेस्ट देन उसको रोल करूँगी और ये मेरा सीड डोसा रेडी हो चुका है गाइज बहुत ईजी और अब मैं दूसरा डोसा भी बना रही हूँ और बहुत ही आसान है ये फ्लैक्सी डोसा बनाना आप ज़रूर ट्राई करना बहुत बहुत इजी चीज़ है और हेल्दी भी है सो इट्स रियली नाइस और जब आपको लगे कि यार कुछ भी नहीं है फटाफट से करने के लिए तो उस टाइम पे ना आप ये वाला अगर आपने बना के रखी है ये जो फ्लैक सीड वाली चटनी तो उस टाइम पे आप बस इसे स्प्रेड करके दे देना इट इज़ जस्ट इक्वलन टू पीनट बटर तो अब मैं ये मेरे बच्चे हैं और ये दोनों ये इन्जॉय कर रहे हैं so, सो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा तीखापन नहीं डाला है बिकॉज आई वॉन्टेड माई किड्स टू हैव दैट इफ़ यू वॉन्ट यू कैन एड इट ऑल्सो सो ये खाने के बाद ये ट्यूशन चले गए एंड सो आई एम एन्जॉइंग इट माई सेल्फ पीसफुली and it the taste was really awesome so guys if at all you have found this video of any help then please subscribe to my channel also give this a video a like and i'm going to meet you soon in another video take care bye bye